हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इन्फिनेटिव के विषय में सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यूजेज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव, इसी को नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं, इसलिए कि नाउन का काम करता है, इसलिए सिंपल इन्फिनेटिव को नाउन इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। इसके इतने काम दर्शाए गए हैं, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी इन्फिनेटिव किसी क्रिया का सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे टू एयर इज ह्यूमन, टू सी इज टू बिलीव, इसमें क्या है, टू सी इज क्रिया का कर्ता है, टू एयर इज ह्यूमन इज क्रिया का कर्ता टू एयर है, इसको कहेंगे साहब ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब है। दूसरा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है, ही वांट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है, तब यहां टू प्ले क्या, वांट्स क्रिया का ऑब्जेक्ट है, किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ही केम हियर टू सी मी, सॉरी ये गलत हो गया, ही विश्ड टू सी मी, वह मुझसे मिलने की कामना करता था, अब यह ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। कॉम्प्लीमेंट के रूप में, लेकिन वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ जाता है, जैसे टू सी इज टू बिलीव, में टू बिलीव क्या है, इस क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है, यानी नाउन की तरह काम कर रहा है। ये तीन इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत आपको समझाया जा चुके हैं, जैसे लिखा नोट नंबर 1, 2, 3 प्रयोग पिछले वीडियो के नंबर 4 में बताया जा चुका है। चौथा प्रयोग है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, जहां से शुरू करना, यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, किसी ऑब्जेक्ट का पूरक बनता है, कॉम्प्लीमेंट पूरक। और छठा है किसी ने पोजिशन विथ इट, कभी कभी यह इट यानी डमी इट के बदले में आता है, किसी ने पोजिशन मतलब बदले में। अब आइए नंबर 4 से, 1, 2, 3 पहले बताया जा चुका है, आप 4 से शुरू किए। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यह बनता है, अर्थात गवर्न बाय ए प्रीपोजिशन, यानी इन्फिनिटिव प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न है, शासित है। आई हैव नो चॉइस बट काउंट एक्सेप्ट टू ओबे, आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, बट एक्सेप्ट टू ओबे, आदेश का पालन करने की अपेक्षा। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, वक्ता प्रारंभ करने ही वाला है, अबाउट टू यानी प्रीपोजिशन, ये अबाउट जो आया है प्रीपोजिशन है जो टू बिगिन को गवर्न कर रहा है। द टीचर वाज अबाउट टू टीच, अब यहां क्या है, यहां अबाउट टू टीच को गवर्न कर रहा है, यानी उस पर शासन कर रहा है, उसके द्वारा यानी उसका वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इन वाक्यों में टू ओबे, टू बिगिन, टू टीच का प्रयोग सिंपल इन्फिनेटिव की तरह होगा, क्योंकि ये वाक्यों के प्रीपोजिशन द्वारा गवर्न है, अर्थात उनके ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रीपोजिशन द्वारा संबंधित होने के कारण ये नाउन का कार्य करते हैं, अतः सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव है। यानी इसमें आप जो देख रहे हैं कि पहले में जो लिखा है नो चॉइस बट टू ओबे, अब यह बट प्रीपोजिशन है, यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में आया, यानी एक्सेप्ट वह ओबे पर गवर्न कर रहा है, और ये अबाउट टू बिगिन पर, यहाँ अबाउट टू टीच पर। नोट, पहले वाक्य बट का अर्थ एक्सेप्ट सिवा है, यानी बट का उत्तर लेकिन नहीं है, एक्सेप्ट सिवा है। अब पांचवा है ऑब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी किसी ऑब्जेक्ट का पूरक के रूप में आ जाए, अर्थात ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के पूरक के रूप में इन्फिनिटिव आ जाए, जैसे आई सा हिम को, इसमें देखिए मैंने देखा, किसको देखा है, उसको देखा, आई सा हिम, अब उस हिम का कॉम्प्लीमेंट है वो जाते हुए देखा। दूसरा आई हर्ड हिम क्राई, मैंने उसे रोते हुए सुना,
चीखते हुए सुना, हार्ड सुना, किसको सुना, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, और यह क्राई जो आया हिम का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। वी नीड नॉट गो टूडे, हमें आज जाने की जरूरत नहीं है। मेक हिम स्टैंड, मेक हिम स्टैंड, उसे खड़ा कराओ। इसमें स्टैंड जो है हिम का। अब यह कराई इन वाक्यों में प्रत्येक इन्फिनेटिव गो क्राई गो स्टैंड के पहले टू छिपा हुआ है, और सी हियर नीड इसमें कारक छिपा हुआ है, इसलिए इन वाक्यों में प्रत्येक इन्फिनेटिव जैसे गो आया है, क्राई आया है, गो है, स्टैंड है, इनके पहले टू नहीं लगा, छिपा दिया गया। कारण है, आगे लिखा है, क्योंकि सी हुआ, हियर हुआ, नीड हुआ, मेक हुआ, बिड हुआ, लेट हुआ, आदि क्रियाओं के साथ इन्फिनिटिव सामान्य रूप में का सामान्य जो चिन्ह है इन्फिनिटिव का, उसका प्रयोग नहीं किया जाता, उसको छिपा दिया जाता है। यानी वाक्य में क्रिया अगर सी है, हियर है, नीड है, मेक है, बिड है, लेट आदि है, तो उनके बाद जो इन्फिनिटिव आएगा उसका सामान्य चिन्ह जो टू रहता है वो छिपा रहता है। अब छठवें नंबर पर नियम आए, केस इन एपोजिशन विथ इट, यानी इट के बदले में, केस इन एपोजिशन विथ इट मतलब इट के बदले में, अर्थात डमी इट का प्रयोग, अर्थात डमी इट का प्रयोग। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर, हवा के बगैर जिंदा रहना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर, उसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू लिव विदाउट एयर इज इम्पॉसिबल, टू लिव विदाउट एयर इज इम्पॉसिबल, बिना हवा के जिंदा रहना असंभव है। नंबर टू, इट इज योर ड्यूटी टू ओबे, इट इज योर ड्यूटी टू ओबे योर पेरेंट्स। इसको दोबारा लिखा गया, इट को हटा करके, टू ओबे योर पेरेंट्स इज योर ड्यूटी, टू ओबे योर पेरेंट्स इज योर ड्यूटी, अपने माता पिता के आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। नंबर थ्री, इट इज डिलाइटफुल, बहुत आनंददायक होता है क्या, टू हियर साउंड ऑफ द सी, समुद्र का शोर सुनना, समुद्र की आवाज सुनना बड़ा आनंददायक होता है। इट इज डिलाइटफुल टू हियर द साउंड ऑफ द सी, उसी को दोबारा लिख दिया इट को हटा करके, टू हियर द साउंड ऑफ द सी इज डिलाइटफुल, टू हियर द साउंड ऑफ द सी क्या है, इन्फिनिटिव है जो इट के बदले में रखा गया है, इज डिलाइटफुल। नंबर चार, इट इज ए पेनल ऑफेंस, यह एक सजा वाला अपराध है, टू ब्राइब ए पब्लिक सर्वेंट, किसी सार्वजनिक नौकर साहब को घूस देना, ब्राइब घूस देना एक कानूनी अपराध है, सजा याफ्ता अपराध है। इट इज ए पेनल ऑफेंस टू ब्राइब ए पब्लिक सर्वेंट, उसी को इट को हटा करके लिखा गया, टू ब्राइब ए पब्लिक सर्वेंट इज ए पेनल ऑफेंस, टू ब्राइब ए पब्लिक सर्वेंट इज ए पेनल ऑफेंस। इन वाक्यों में टू लिव, टू ओबे, टू हियर, टू ब्राइब का प्रयोग सिंपल इन्फिनेटिव की तरह हुआ है। इन वाक्यों में टू लिव हुआ, टू ओबे हुआ, टू हियर हुआ, टू ब्राइब जो हुआ, इनका प्रयोग सिंपल इन्फिनेटिव की तरह हुआ, क्योंकि ये वाक्यों के डमी सब्जेक्ट अर्थात इट के केस इन एपोजिशन है, यानी डमी सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं। नोट, उपर्युक्त वाक्यों में वास्तविक करता है, रियल सब्जेक्ट जो वास्तविक करता है, टू लिव, टू ओबे, टू हियर और टू ब्राइब ही है, इट वास्तविक करता नहीं है, वास्तविक करता है टू लिव, टू ओबे, टू हियर,
टू ब्राइड, किंतु वाक्यों की रचना से इट कर्ता सब्जेक्ट प्रकट हो रहा है। यानी वाक्य की रचना ऐसे है कि जिसमें इट सब्जेक्ट प्रतीत हो रहा है, जो वास्तव में डमी की तरह प्रयोग हुआ है, यानी केवल वाक्य की शुरुआत करने के लिए प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। थैंक यू।